समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के सभी लोग समुद्र से मछली पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उस गांव में एक काशी नाम का मछुआरा भी था, पर वो और मछुआरों से बहुत गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के साधन नहीं थे। परिवार में पत्नी मंजुला और तीन बेटे थे। काशी समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मछली फंसने का इंतजार करता है, तभी पानी में कुछ हलचल सी होती है। लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, कांटा बहुत भारी है। काशी क्या देखता है कि वो मछली देखने में कोई साधारण मछली नहीं दिख रही थी। ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे ये कौन बोला, मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली हूँ जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। क्या मछली भी कभी बोलती है क्या? ओ मछुआरे जल्दी कर, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। मछली को बोलता देख काशी उसे पानी में छोड़ देता है और मछली लंबी सांस लेती है। तूने मुझे जीवन दान दिया, चाहता तो तू मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई भी मछली नहीं फंसी, एक तुम फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया, अब मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाऊं? उदास मत हो मछुआरे, मैं इच्छा पूर्ति मछली हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी तीन इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहता हूँ तुम वो मुझे दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, वो खटिया से उठ भी नहीं सकती, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। बस यही मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करती हूँ, अब बता तेरी दूसरी इच्छा। अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता, पहले मैं घर जाकर देख तो लूँ कि मेरी इच्छा पूरी हुई भी है या नहीं। ठीक है मछुआरे, जब भी तुझे दूसरी इच्छा मांगनी हो तो यहीं इसी जगह आ जाना और मुझे पुकारना सुनहरी मछली के नाम से। इतना कहकर मछली समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और वहाँ काशी मछुआरा घर पहुँचता है तो क्या देखता है? पिताजी पिताजी, देखो तो जरा, माँ को कितनी स्वस्थ दिख रही है। ये सब उस जादुई मछली की वजह से हुआ है। काशी उस जादुई मछली के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसको वो मिली और उसने उसकी तीन इच्छा पूरी करने को कहा। पिताजी ये आपने क्या किया, आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा खाना मांग सकते थे। पिताजी आप कोई बड़ा सा जहाज भी उस मछली से मांग सकते थे, उससे आप इतनी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकते थे। हाँ पिताजी, आप कोई सोना चांदी हीरे मोती मांग सकते थे उससे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? हाँ माँ, तुम ठीक हो गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सभी बच्चे अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। काशी रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था क्या? अब मैं क्या करूं, कैसे मछली पकड़ूंगा? तभी उसे सुनहरी मछली का ध्यान आता है। क्यों ना मैं उस सुनहरी मछली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूं? काशी समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सुनहरी मछली को बुलाता है। ओ सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तभी मछली वहाँ आ जाती है। बोल मछुआरे, अपनी दूसरी इच्छा क्या चाहता है? मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा हो। ले मछुआरे, तेरी दूसरी इच्छा मैं पूरी करती हूँ। तभी काशी क्या देखता है कि उसके सामने एक मछली पकड़ने का कांटा रखा है जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी शंकर देख रहा है और उसने उसकी और मछली की सारी बातें सुन ली थी।
अगर मेरे हाथ वो सुनहरी मछली लग जाए मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये काशी तो बुद्धू है, इसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। शंकर मछली वाली बात अपने साथियों को भी बता देता है। जादुई मछली, क्या बात कर रहे हो, ऐसी भी भला कोई मछली होती है तो उससे जो मांगा वो हमें देगी है? हाँ भाइयों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा और कानों से सुना उस काशी को मछली से बात करते हुए। अगर ये बात सच्ची है तो हमें बिना देरी किए उस मछली को पकड़ना पड़ेगा। शंकर और उसके सभी साथी मिलकर समुद्र में वो सुनहरी मछली पकड़ने लगते हैं, पर उन्हें वो मछली नहीं मिलती। वहाँ काशी घर में परेशान सा बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मंजुला, मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को घर में कुछ नहीं होता। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप चाहो तो उस मछली से तीसरी इच्छा में कोई बड़ा महल या हीरे जवाहरात मांग सकते हो, मगर लालच करना अच्छी बात नहीं है। वह शंकर के जाल में वो मछली फंस जाती है। मिल गई, मिल गई, मुझे इच्छा पूरी करने वाली मछली मिल गई। छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे भाई, ये मछली तो सच में बोलती है, ये इतनी सी मछली हमारी सभी इच्छा पूरी कर सकेगी। ए मछली, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी कैसी भी इच्छा पूरी करूंगी, पर मैं सिर्फ तुम्हारी तीन इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की जगह एक बड़ा सा महल हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और सच में शंकर के उस घर की जगह एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है जो समुद्र के उस कोने से भी दिखाई पड़ता था। शंकर और उसके साथी ये देखते हैं तो उनकी आंखें मानो फटी की फटी रह जाती हैं। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बता सकते हो। अब मेरी बारी है। ए मछली, अब तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हीरे जवाहरात से लाद दो। मछली उसे हीरे जवाहरात से लाद देती है तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है, जरा सोच समझ कर मांगना। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन भर मेरे पास ही रहो, मेरी गुलाम बनकर। तभी वहाँ काशी का परिवार आ जाता है। अरे ओ शंकर भाई, ये तुमने क्या मांग लिया? हाँ भाई, इतना लालच अच्छा नहीं है, वो मछली जीवन भर तुम्हारी गुलाम कैसे रहेगी, वो तो इतने बड़े समुद्र में रहने वाली है। मैं? अगर इस मछली ने मेरी तीसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसके यहीं दो टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मछली को शंकर के लालची और उनकी वो कही बात अच्छी नहीं लगी। शंकर ने महल चाहा था वो अब एक खंडहर में बदल गया था, और उसका साथी हीरे जवाहरात की जगह सांपों में लिपटा पड़ा था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और उसका साथी वहाँ से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। तभी मछली जोर जोर से रोने लगती है, और उसके रोने से मछली के जो आंसू आँखों से बह रहे होते हैं वो समुद्र में एक बहुत बड़ा सैलाब ला देते हैं। आंसू बहते जा रहे थे और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं कान पकड़ता हूँ, अभी लालच नहीं करूँगा। पिताजी, ये सब क्या हो गया? उस मछली के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये मछली ऐसे ही रोती रही तो हम भी इस पानी में डूब जाएंगे। पिताजी, पिताजी, आपको तीसरी इच्छा याद है ना? जल्दी सोचो और उस मछली से अपनी तीसरी इच्छा मांगो, जल्दी जल्दी पिताजी, नहीं तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। ओ सुनहरी मछली, मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है, तुम अब रोना बंद कर दो। मछली तुरंत रोना बंद कर देती है और सारा पानी भी बैठ जाता है। काशी, तुम और तुम्हारे ये बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम चाहते तो अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकते थे, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए कि मैं शांत हो जाऊँ। मुझे माफ कर दो, तुम कहीं दूर निकल जाओ। वो मछली समुद्र में अंदर चली जाती है और फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं पड़ती।